तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्तें दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर लाहौर को मरासला भी लिख दिया। इसी पर बात करेंगे हसन अवान से। हसन, आगाह कीजिएगा, मरासले में क्या दर्ज है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर जो है 21 सितंबर के जलसे के हवाले से दरखास्त जो है वो दे दी है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर और सदर लाहौर पीडीआई के जो है वो एक इम्तियाज ने इन्होंने जो है वो दरखास्त जमा करवाई है। दरखास्त का मतन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में मुद्दत बार जो है वो जलसे की इजाजत मांग चुकी है, लेकिन इनको जो है इजाजत नहीं दी गई। इस दौरान कई जमातों ने जो है वो लाहौर में जलसे किए हैं, लेकिन उनको जलसे की इजाजत भी दे दी गई, उसमें जो है वो जगह भी मुख्तस कर दी गई उनको, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी दफा भी दरखास्त के लिए इजाजत दी उनको जो है इजाजत नहीं दी गई। इसके लिए अफसरान की जानब से पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक जो है वो भी बरपा किया गया, और साथ ही तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो जमात है, इसको जो है इजाजत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान मकाम पर जो है वो जलसे की इजाजत के लिए जो है वो दरखास्त दे दी गई है। अब जो 21 सितंबर को जलसे के लिए एनओसी जो है वो जारी किया जाए, ये अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने जो है वो दरखास्त के मतन में कहा है, और वादे तौर पर हिदायत दी है कि अगर इजाजत दी गई ना भी दी गई तो हम जो है अभी 21 सितंबर को लाहौर में मतन में कहा गया है कि जलसे के लिए एनओसी जारी किया जाए। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।